हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीतास किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ राजमा की रेसिपी। आइए उसको बनाते हैं। राजमा है, इसको मैंने ओवरनाइट भिगा के रखा था। इसको अभी मैंने दो सीटी मार दी हूँ और इसको मैंने अभी उबल दिया था थोड़ा सा नमक डाल के। फ्रेंड, हमने चढ़ाई दी है कढ़ाई है। अब इसको इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल। तेल गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा गैस को स्लो कर दिया है। अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच जैसा। अब हम डालेंगे दो दालचीनी, एक तेज पत्ता। इधर मैंने दो कटे हुए प्याज लिए हैं फ्रेश, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का भूनना है, फिर इसमें जाएगा थोड़ा सूखी मसाले। थोड़े प्याज पक गए हैं, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट। अब इसको करेंगे थोड़ा गैस पास। अब जाएगा इसमें हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। गैस मीडियम फ्लेम पे ही है। डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल। इससे क्या होता है, सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। इसको हम जब तक पकाएंगे तब तक इसका तेल नहीं छूट जाएगा। तो गाइस, हमारा ये मसाला पक गया है। अब इसमें जाएगा राजमा। इसको भी हल्के हाथों से चलाते रहना है। अब जो मैंने उबलने के लिए पानी डाला था उसमें से थोड़ा सा पानी बचा है वही डालूंगी इसमें। अगर वो आपके पास पानी नहीं बचा हो तो सादा पानी भी चलेगा, ग्रेवी वाला बनाना हो तो। ये पानी थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इसमें ही डाल दिया। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, उबलते हुए थोड़ा सा नमक डाला था तो ध्यान रखना। अब इसको स्लो पे पकाएंगे। तो गाइस, हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अभी थोड़ा सा डालेंगे इसमें धनिया और एक मिनट खाली पकाएंगे। ओके, हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब इसको करेंगे सर्व। हमारा राजमा रेडी हो गया है। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ भी आप परोस सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो जरूर मत भूलना।